राकेश रोशन को इस वजह से हुआ कैंसर, दोस्तों ने किया बड़ा खुलासा। हाल ही में ऋतिक रोशन ने खुलासा किया कि उनके पिता राकेश रोशन को गले का कैंसर हुआ है। ये खबर सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड ने उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट किया। राकेश रोशन की सर्जरी हो चुकी है। ऋतिक ने बताया है कि राकेश रोशन की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। राकेश रोशन की बीमारी को लेकर राकेश रोशन के दोस्त अमोद मेहरा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, ऋतिक रोशन ने जब ट्वीट किया तब मुझे पता चला कि राकेश रोशन को कैंसर हुआ है। तकरीबन 2 महीने पहले हम एक पार्टी में एक दूसरे से मिले थे। इस दौरान वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। अब जब यह खबर सामने आई है उससे मुझे उतना ही सदमा लगा जितना बाकियों को लगा है। अमोद ने बताया कि राकेश रोशन को स्मोकिंग की आदत थी। उनकी पत्नी पिंकी उन्हें अक्सर सिगरेट छोड़ने के लिए कहती थी। राकेश मना करने के बावजूद छिप छिप कर सिगरेट पिया करते थे। राकेश रोशन की सेहत पर बात करते हुए अमोद ने कहा, मैं इस वक्त उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से कामना करता हूं। अमोद मेहरा के अलावा राकेश रोशन के बाकी दोस्तों ने इस विषय पर बात करते हुए कहा, दिन भर में राकेश रोशन 1.5 पैकेट तक सिगरेट पी जाया करते थे। वो अपने घर के किसी एक कमरे में अकेले बैठकर सिगरेट पीते थे। बता दें कि ऋतिक ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने आज सुबह अपने पिता से एक फोटो खिंचवाने के लिए कहा। आज अपनी सर्जरी के दिन भी उन्होंने जिम नहीं मिस किया। वो एक बहुत मजबूत इंसान है। कुछ हफ्ते पहले ही पता चला कि उनको शुरुआती स्टेज का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया है।